दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रवि। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी बेनिफिट वाला आपका टॉपिक है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आशा यही करते हैं। दोस्तों हाल ही में कल मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करा था कि आपने एक व्हाट्सएप किसे सेल्स की वीडियो बनाई है, सेल से अनब्लॉक कर सकते हैं किसी को भी। ये वीडियो मेरे वीडियो लिस्ट में है, मैं आपको दिखा देता हूँ उनका कमेंट। तो यहाँ पे देखिए, मोहम्मद जी का ये कमेंट था कि आपको बोला था कि एक कोई न्यू ऐप जो जिससे अनब्लॉक हो जाए, आपको पता है कि व्हाट्सएप पहले से चेंज हो गया। मैंने एक अपनी वीडियो बना रखी है दोस्तों, वीडियो की लिस्ट में डाल रखी है एंड में, कि आप अपने सेल्फ से अनब्लॉक कैसे हो सकते हैं किसी ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया। तो मोहम्मद जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने ट्रिक डाली है उसमें एक एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया जिसमें आप सेल्फ से अनब्लॉक हो सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि वो वर्जन आपका ओल्ड में यूज़ कर रहे हो या न्यू वर्जन में, वो जो वर्जन है आपका वो हर वर्जन में चल रहा है, चाहे आपका ओल्ड व्हाट्सएप हो, चाहे न्यू व्हाट्सएप हो, चाहे आपका जो अभी लेटेस्ट व्हाट्सएप आया है उसमें भी वो वर्किंग है। बस उसमें थोड़ा तरीका वही है, आई थिंक आप वहाँ रहते हैं दुबई में, शायद आपके वहाँ पे काम नहीं कर रहा हो, चाहे करना नहीं आ रहा उसका यूज़, तो इसके लिए कोई बात नहीं। और देखिए मैं फिर उनकी वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया मोहम्मद जी, उसके लिए सॉरी है आपसे। तो आज मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी फ्रेंड के लिए वीडियो एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, जिससे आप अपने सेल्फ से अनब्लॉक हो सकते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी सारी वीडियोज आपने देखी होगी अपने सेल्फ से अनब्लॉक होने वाली व्हाट्सएप पे, कि मतलब आपने देखा होगा कि सब बोलते हैं कि अकाउंट डिलीट कर दीजिए। एंड देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है, आपका अकाउंट तो अपना डिलीट करना ही पड़ता है, मगर देखिए उसमें आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है, या आपका डाटा लॉस्ट हो गया और आपके ग्रुप हो गए वो लॉस्ट हो गए व्हाट्सएप पे। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका डाटा सेफ रहेगा, वो ग्रुप्स आपके सेफ रहेंगे। एंड दोस्तों क्या होगा, आपको अकाउंट तो डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा आप इंस्टॉल करेंगे व्हाट्सएप को एंड आप डाटा उस पर वापस से रिस्टोर कर लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटिव, वो सीधा आपके मेल पे आएगी। और जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं, जो हमारे यूट्यूब मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं या जो मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, उनसे निवेदन है सबसे कि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, जो मैं वीडियो जो डेली बेसिस पे न्यू वीडियोस लाता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटिव, वो सीधा आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन बार में आ जाएगा, आप इजी वे पे वॉच कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर पर चलिए। प्ले स्टोर पर आपको सर्च बार पर टाइप करना है यहाँ पर बैकअप फॉर व्हाट्स, ठीक है। तो 100,000 लोगों ने इसको डाउनलोड करा है, 3.80 की रेटिंग चल रही, काफ़ी अच्छे इसकी कमेंट है। तो मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मेथड बता दूंगा किस तरह से आपको करना है, वैसे आप स्टेप फॉलो करके अपने व्हाट्सएप से सेल्फ से अनब्लॉक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आया था, यहाँ पर देखिए एक रेड बिंदु है, यहाँ पर लिखा हुआ यूज्ड, और जो येलो है बिंदु उस पर लिखा है व्हाट्सएप बैकअप, एंड ग्रीन पे लिखा हुआ है अवेलेबल। तो आपको व्हाट्सएप का बैकअप बनाना है सबसे पहले, मेन बात, जो भी आपने चैट है, जो आपकी पिक्स है, जो आपका डाटा है ग्रुप का, सब कुछ A to Z बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम बैकअप पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ का बैकअप बनाना है, तो देखिए मैसेज का हमें बनाना है बैकअप, व्हाट्सएप की यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एंड व्हाट्सएप वीडियो को हमें चाहिए बैकअप यहाँ पे, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। व्हाट्सएप वॉइस नोट इसका चाहिए हमें, और ऑडियो का, तो इस पर क्लिक करके दोस्तों हम यह बैकअप बना देंगे यहाँ पे। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं प्रोसेसिंग फाइल प्लीज फिट, तो यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप के जितने भी मैसेजेस हैं और जो हमारे पर वीडियोज आती हैं, हम जो चैट करते हैं, वो हमारा बैकअप तैयार है। ये ऐड आता है तो आपको स्किप कर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग चल रही है, हमारा जो बैकअप है वो बन रहा है अभी, और जो आपका बैकअप सेव होगा दोस्तों वो आपके गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट टू गूगल ड्राइव प्लीज वेट। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यह हमारा जो है बैकअप बन चुका है, यहाँ पे हमारा जो बैकअप बना है दोस्तों 25 MB का बना है मेरा व्हाट्सएप का बैकअप। देखिए डेट आ गई है 5 नवंबर आ गई है, टाइम है 12:28 पे हमने बैकअप क्रिएट करा है, ठीक है दोस्तों। ये हाल ही में हमारा बैकअप बन गया है, तो हमें क्या करना है अब, अपना बैक आ जाना है।
अब देखिए दोस्तों, अब आपको अपने फाइन मैनेजर में जाना है, जो आपका मेमोरी कार्ड या फिर आपका स्टॉल होता है व्हाट्सएप, या फिर आपका किसी का स्टॉल होता है वो आपका इंटरनल स्टोरेज में होता है, किसी का जो स्टॉल होता है डाटा वो उनके मेमोरी कार्ड में होता है, तो वो आप देख लीजिएगा कहाँ होता है। तो फिलहाल मेरा तो फ़ोन में होता है, तो चलिए फिर मैं मेमोरी कार्ड में चलता हूँ। मेमोरी कार्ड में दोस्तों जब जाओगे तो लास्ट में आपको इस तरह से एक फोल्डर दिखेगा व्हाट्सएप नाम का, आप सभी के फ़ोन में भी होगा, चाहे इंटरनल में होगा चाहे मेमोरी कार्ड में, तो उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए दो ऑप्शन आएंगे, डाटाबेस आएंगे और एंड देखिए मीडिया आएगा, तो मीडिया पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको मीडिया में कोई डाटा नहीं दिखेगा, ठीक है दोस्तों, अभी मेरा फ़िलहाल कोई डाटा नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ बैकअप बना दिया है दोस्तों। तो देखिए आपको यहाँ पे डाटा दिखेगा, तो आपको क्या करना है, उनको सेलेक्ट करना है एक एक बारी, और सेलेक्ट करके दोस्तों आपको उसको मूव कर देना है, मतलब आपको यहाँ से उठा के उस फाइल को मूव कर देना है वहाँ पे, या फिर अपने मेमोरी कार्ड में एक फ़ोल्डर बना के मूव कर देना है, या फिर आप कहीं पे कोई एक फ़ोल्डर बनाइए व्हाट्सएप के नाम का छोटा सा, उस पर मूव कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मूविंग का। यहाँ पे देखिए मीडिया में जाना है आपको, मीडिया में जाओगे तो जब आपके पास यहाँ पे फोल्डर आ जाएगी काफ़ी सारे, व्हाट्सएप मैसेज चैट मीडिया, उसको आपको मूव कर देना है, कॉपी करके सबको सेलेक्ट करके कॉपी करके दूसरे साइड में एक फोल्डर बनाना, मूव कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको दोबारा बैक आना है और अपने व्हाट्सएप पे आना है। तो चलिए व्हाट्सएप पे चलते हैं। व्हाट्सएप पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे आ गए हैं, व्हाट्सएप के बाद आने के बाद आपको सेटिंग में जाना है व्हाट्सएप की। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट सेटिंग में जाना है, ठीक है। अकाउंट सेटिंग में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास देखिए ऐसा ऑप्शन आएगा, प्राइवेट सिक्योरिटी चेंज नंबर एंड डिलीट अकाउंट। तो डिलीट अकाउंट आप अभी मत करिएगा, तो पहले यहाँ से बैक आइएगा, आप चैट पे क्लिक करिएगा। चैट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए चैट बैकअप, तो यहाँ पे देखिए चैट बैकअप पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए अपना चैट का एक बैकअप बना लीजिएगा। ये देखिए हमारा बैकअप जो है जनरेट हो गया है। फिर उसके बाद दोबारा आप इसमें वहाँ पे जाके देखिएगा मेमोरी कार्ड में यहाँ पे बैकअप पे, कि हमारा बैकअप यहाँ पे जनरेट हो गया है। एक बार देख लेते हैं हम दोबारा इसको जाके, मेमोरी कार्ड पे आपको दोबारा जाना है दोस्तों। जब आप मेमोरी कार्ड पे जाओगे तो नीचे वही आपको व्हाट्सएप का फोल्डर होगा, व्हाट्सएप के फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मीडिया में चेक करना है। यहाँ पे फोल्डर को होगा तो आपको उसको उठा के कॉपी कर देना है और दूसरे फोल्डर में सेव कर देना है, ठीक है मीडिया में। और यहाँ पे देखिए डाटा बेस पे दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो डाटा है एक तरह का रेडी हो चुका है, जो हमने वहाँ से एप्लीकेशन से जो हमने कॉपी करा था, जो बैकअप बनाया था। ये देखिए 1 MB की फाइल है, 2 MB की फाइल है, इस तरह से दोस्तों ये आपका डाटा भी जनरेट हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ से भी इसको उठाना है, सबको सेलेक्ट ऑल करना है यहाँ से, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट ऑल। आपके फ़ोन में कैसा फंक्शन होगा ये तो मुझे नहीं पता, अगर मेरे इसमें सेलेक्ट ऑल ऐसे करके, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मूव का ऑप्शन आता है, मूव द सेलेक्ट, तो आप मूव पे सेलेक्ट करके इसको मूव कर लीजिएगा, जो आपने फोल्डर बनाया है व्हाट्सएप का अलग से, उसमें इसको साथ डाटा को डाल देना। डालने के बाद दोस्तों क्या करोगे आप, दोबारा अपने व्हाट्सएप पे जाओगे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद अब आपको जाने के बाद देखिए यहाँ पे डिलीट अकाउंट आएगा, ठीक है दोस्तों। डिलीट अकाउंट के बाद आपको अपना नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक है, नंबर डाल के आपको डिलीट अकाउंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। डिलीट अकाउंट आप कर देंगे यहाँ से एंड, जब आप डिलीट अकाउंट कर देंगे यहाँ से, डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोबारा से व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, ठीक है दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे क्या इंस्टॉल कर दोगे ना दोस्तों आप, तो देखिए यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक दोबारा से एक फ़ोल्डर यहाँ पे बन जाएगा व्हाट्सएप का, जब आप मेमोरी कार्ड में आओगे इस तरह का, यहाँ पे इस तरह का फोल्डर बनेगा, मगर यहाँ पे वो खाली दिखाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा मीडिया में। तो आपने जो पहले कॉपी करके सारा डाटा एक फ़ोल्डर बना रखा था व्हाट्सएप के लिए, आपने मेमोरी कार्ड में सेव कर रखा था, उसका सारा डाटा उठा के आपको यहाँ पे मीडिया में डाल देना है, मीडिया में पेस्ट कर देना है दोस्तों। मीडिया में पेस्ट करने के बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे
अकाउंट अपना बनाएंगे, व्हाट्सएप दोबारा से डाउनलोड करेंगे, उसमें जब आप नंबर डालेंगे और अंदर एंटर हो गए तो उसमें आपके पास बैकअप का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे ऊपर कि आप अपना बैकअप बनाना चाहते हैं तो आप बस बैकअप पे क्लिक कर देना और जो हमने बैकअप बनाया था उस एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो 25 MB का जो हमारा बैकअप बना था, जितना भी ग्रुप वगैरह चैट मीडिया, वो सीधा आपका व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा फ़ायदा आपका कि देखिए आप अपने सेल्फ से अनब्लॉक भी हो जाएगी जिधर आपको अनब्लॉक कर रहा था, क्योंकि आप नई तरीके से व्हाट्सएप अपना इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने डिलीट कर दिया था अकाउंट और दोबारा से कर रहे हैं, तो एक तरह से आपका बैकअप भी पूरा सेफ हो जाएगा, जो आपका ग्रुप वगैरह था एंड मीडिया सब कुछ चैट वैट। और इस तरह से दोस्तों आप देखिए अपने बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने आप से अनब्लॉक हो जाएगा, वो भी सेफ साइट से बिना डाटा आपका लॉस हुए। ये आपको मेथड पसंद आ गया होगा, काफ़ी इजी मेथड है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा मेथड है आपके लिए, और आप इजी वे पे अनब्लॉक करके हो जाओगे अपने सेल्फ से एंड डाटा भी आपका लॉस नहीं होगा, ग्रुप्स भी आपके बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई डाउट है नहीं आता मेरी वीडियो में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।